चलिए देख लेते हैं कि अपनी सिंपल साड़ी को भी हम किस तरह से लहंगे के स्टाइल में पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, अपनी साड़ी को लहंगे के स्टाइल में पहनने के लिए मैंने यहाँ पर नेट की साड़ी ली है और उसे पहनने से पहले मैंने इस तरह से साइड में कॉर्नर में एक नॉट बना लिया है और उसके बाद अपने पेटीकोट के अंदर उसे टक इन कर लिया है। और अब जिस तरह से हम आम साड़ी पहनते हैं, बेसिक साड़ी पहनते हैं, उसी तरह हमने साड़ी की शुरुआत करनी है। और अब हम अपनी आंचल की प्लीट्स बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने नॉट बांधकर इस तरह से साड़ी की शुरुआत क्यों की, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेट की साड़ी बहुत ज़्यादा पतली रहती है और इसके खुलने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि ये नेट की साड़ी है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा पिन्स वगैरह भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके फटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इस तरह से हम नॉट बनाकर साड़ी की शुरुआत करेंगे तो साड़ी के खुलने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता और साड़ी काफ़ी लंबे समय तक आप बहुत ही आसानी से कैरी कर पाते हो। और अब बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने आंचल की प्लीट्स को सेट कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर अपने आंचल को बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखा है, क्योंकि अगर हम आंचल ज़्यादा चौड़ा रखते हैं तो हम खुद भी चौड़े दिखने लगते हैं, मतलब कि हम ज़्यादा मोटे दिखने लगते हैं। इसीलिए अपने आंचल को थोड़ा सा कम ही चौड़ा रखिएगा। और अब दोस्तों, सेट किए हुए आंचल को पीछे की तरफ से घुमाते हुए अपने राइट शोल्डर में सामने की तरफ रख लीजिए, जिस तरह से मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे आप पिन की हेल्प से इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लीजिए। तो अब सामने की प्लीट्स बना लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर सामने की प्लीट्स किस तरह से बनाऊंगी। तो आंचल को मैंने ले लिया है, आंचल को पकड़कर जो उसका बॉर्डर होता है, जहाँ से आंचल शुरू होता है, वहाँ पर भी मैंने एक नॉट बना लिया है और उसे अपने पेटीकोट के अंदर इस तरह से टक इन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपने दूसरी साड़ी ली है, नेट की साड़ी नहीं ली है, तो आप पिन भी लगा सकते हो। यहाँ हम जिस तरह से अपनी बेसिक साड़ी पहनते वक्त, यानी कि दूसरी साड़ी पहनते वक्त प्लीट्स बनाते हैं, एक ही बार में सारी प्लीट्स ले लेते हैं, उसके बाद अपने पेटीकोट में टक इन करते हैं, वैसे नहीं करना है। यहाँ हमें एक एक करके प्लीट्स बनानी है और काफ़ी चौड़ी करके लेनी है। देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ एक बना चुकी हूँ, अब दूसरी प्लीट में बना रही हूँ। देखिए किस तरह से चौड़ी करके मैंने यहाँ पर ली है और उसे पहली प्लीट के जस्ट ऊपर नहीं, थोड़ा सा साइड करके टक इन किया है। देखिए इस तरह से, और इस तरह करते हुए हम सामने 3 से 4 प्लीट्स आपकी आएंगी, उस तरह से हम सारी ही प्लीट्स को टक इन कर लेंगे। और यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से मेरी चारों प्लीट्स जो हैं सामने की सेट हो गई है। सामने की तरफ 3 से 4 प्लीट्स ही पड़ती हैं, उससे ज़्यादा नहीं पड़ती। दोस्तों, कमर के पास से आपकी साड़ी इस तरह से लूज़ ही रहेगी। तो चलिए अब अपने आंचल को सेट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो आंचल को सामने की तरफ इसी तरह छोड़ सकते हैं खुला, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर नहीं, तो फिर आप अपने आंचल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसे इस तरह से खींचते हुए पीछे से ले जाते हुए कमर की साइड में यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पिन के साथ सिक्योर कर लीजिएगा, पेटीकोट को साथ लेते हुए। तो देखा फ्रेंड्स, लहंगे के स्टाइल में साड़ी को पहनना कितना ज़्यादा आसान था। अगर आप भी अपनी साड़ी को एक ही स्टाइल में पहन पहन कर बोर हो चुके हो, तो उसे इस तरह से लहंगे के स्टाइल में पहनिए। और अगर आप चाहें तो साड़ी को डिफरेंट ब्लाउजेज़ और टॉप्स के साथ भी आप पेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप डांस करने के शौकीन हो, तो इस तरह से साड़ी पहनकर आप बहुत ही कंफर्टेबली डांस भी कर सकते हो। और अगर आप एक बहू हो या फिर आपके सर पे आपको पल्लू लेना पड़ता है, तो आप इस तरह साड़ी पहनकर बहुत ही आसानी से सर पे पल्लू भी रख सकते हो।